नाम ने सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। पाप नहीं नाश होए, मेरे दुख नहीं नाश होए, मैं नहीं सुने। तरह तरह के सज्जन मृत मित्र मिलते हैं। दिल्ली दे एक लंबा चौड़ा चिट्ठा मैनू दे दिता कि ज्ञानी जी अज ते कथा तुसी यही करो, थोड़े दुख मिट गए ने, थोड़े पाप मिट गए ने। मैनू भरी संगत च कबूल करना पाया, मैनू समझ आ गई है पाप किवें मिटदे ने, दुख किवें मिटदे ने। मेरे दुख मिटे नहीं, मेरे पाप मिटे ने, क्योंकि मैं अजे इतनी गहराई तां सरोता नहीं। मैं इसनों कबूल करना, तुसी निकम्मे चक्करां च भी ना पैना। मैं गुरबाणी दा वक्त हाँ, केवल वक्त हाँ, अर्थ बहुत सुनाना, पर इसनों तुसी हंकार समझ लो। मैनू समझ आ गई है, समझ आ गई है दुख किवें मिट सकदे ने। मैनू समझ आ गई है पाप किवें मिट सकदे ने, ये मैनू समझ आ गई है। तो ये भी मेरा हंकार समझ लो, भावें कुछ समझ लो। मैं ये देखदा 90% लोगों नूं ये समझ भी नहीं आई, नहीं आई। ये भी मर्ज यह बुनियादी नुकता जिहड़ा समझना है, नहीं। मैं तो चार पाठ कीते ने सुखमनी साहब दे, तू एक अष्टपदी कर, किसे रस दे च कर, आनंद दे च कर, उचारण कर ते तू सुन। एवें घास कट्टी गए जे सुनिए दुख पाप का नाश। सुनन नाल नाश होंदा है, दुख ते पाप सुनन नाल मिटदे ने। केवल सुनन मात्र नाल नहीं, जितनी गहराई तो बोल बार निकलते ने, इतनी गहराई तो कोई सुने, इतनी गहराई तो हो सकता है ध्यान पूरा होवे, मुकम्मल होवे। तो खैर हुण इसे विषय नूं मैं लमकावां ना। जैसे अंदर बोलण दा ख्याल पैदा होंदा है, पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाब थोड़ी जिहा खुलदी है, उत्थों धुन निकलदी है। उहनूं कहिंदे ने पर आवाज ते है, इहदे च अल्फाज कोई नहीं। धुन ते है, इहदे च अखर कोई नहीं। हिरदे तक पहुंचती है, इत्थे तक पहुंचदिआं पहुंचदिआं इसनूं अखर मिल जांदे ने, पड़ाओ दर पड़ाओ। कंठ तक पहुंचती है, पूरा वाक बन जांदा है, जबान बयान कर देंदी। जबान ने उचारण कीता, वाहिगुरु भोजन बन गया, भोजन बन गया, सूक्ष्म शरीर की खुराक बन गई। हुण मैं सुना ते छकना, जे को खावे कोई खावे, निरी खावे ना हजम भी करे। मैं देखे कई थोड़ा बहुत किधरे छक लेंदे ने, रस आ जांदा है, फिर उन्हां नूं हजम नहीं आउंदा। उहदे नाल बहस कर, उहदे नाल बहस कर, उहदे नाल बहस कर, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, उन्हूं सारे बुरे दिखाई देण लग पैंदे। इस तरह दे मैं सतसंगी देखे ने, वो की आउंदा है, उन्हां नूं हजम नहीं होया, पचिया नहीं। जे को खावे जे को बुंचे, बुंचे भी सही, हजम भी करे, पचावे भी सही। एक छोटी जी गाथा थानू सरवण करावां, गल स्पष्ट हो जाएगी। मुहम्मद साहब दे दोते हजरत अली दे लड़के, हजरत अली मुहम्मद साहब दे दामाद सन। हसन हुसैन मुहम्मद साहब दे दोतरे सन। हुसैन छोटा सी, बहुत छोटा सी, अजे 6 साल का। नाने नू कहन लगा, हजरत जिहड़ी फजर दी नमाज तुसी पढ़दे हो ना, मैनू भी उठाणा, मैं भी पढ़ांगा फजर अमृत वेले दी नमाज। क्योंकि 5 नमाजां ने जिहड़ी सवेरे पढ़दे ने उहनू फजर दी कहिंदे ने, फिर जोहर दी नमाज, फिर असर दी नमाज, फिर मगरब दी नमाज। शाम नू सूरज गरूब हो जांदा है, अंधेरा हो जांदा है, लाली छाई होंदी है, उस वक्त जिहड़ी नमाज पढ़दे ने उहनू इशा दी नमाज कहिंदे। बाकी 4 नमाजां
मुहम्मद साहब का यह दौता पढ़दा सी, असर दे जोहर दे मगरब दे इशा दे, पर अमृत वेले विचारा सुता रहिंदा सी, छोटा बच्चा मासूम, ते किधरे इस मासूम बच्चे ने कह दिता, हजरत तुसी कहिंदे हो फजर दी नमाज दी महिमा बड़ी है, अमृत वेले दी महिमा बड़ी है। धन गुरु रामदास जी महाराज कहने, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। इनू शेख सादी साहब इंज बयान करते हैं, दुआ कुन बशब चो गदाया सोज। ईरानी सूफी संत, दुआ कुन बशब चो गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। जे दिन दे समय तू बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, ता रात दे चौथे पैर खुदा दे अगो मंगता बन जाया कर, भिखारी बन जाया कर। गदाया गदागर भिखारी। सादी कहिंदन जो अमृत वेले फजर दे समय खुदा दे अगों भिखारी नहीं बनदे, दिन दे समय वो बादशाहां दी जिंदगी नहीं बतीत कर सकणगे, रोंदे पिटदे रहणगे, चलांदे रहणगे। दुआ कुन बशब चो गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। इस मासूम बच्चे ने कहा, तुसी इतनी महिमा दसदे हो, फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी। भावें मुहम्मद साहब ने आखे तू अजे छोटा है, कोई नहीं तेरी चारां नाल भी गल बनेगी, जिद की थी। उन्हें आखे नहीं, मैनू घाट महसूस होंदी है, वो मैं जड़ी एक नहीं पढ़दा, हद हो गई, मुसलमान पांच वक्त पढ़दे ने, सिख नू दो वक्त दा सत्संग है, दो वक्त वास्ते भी टाइम कोई नहीं। बच्चे ने इतना जोर दिता, आखिया हजरत मैनू जरूर फजर दी नमाज दे समय उठाना है, तुसी उठाना है, तुसी मैनू नाल लेके जाना है। उस वक्त अंधेरा भी आंदा है, कल्ला बच्चा पै खांदा है, तुसी लेके जाना है मैनू। अश्क बार अखा सन, बच्चा रोंदा जिहा हो गया। मुहम्मद साहब नू तरस आया, अच्छा बेटे मैं तेनू उठावांगा नाल ले जावांगा। सवेरे उठाया, खुद उजू कीता है, मुहम्मद साहब ने बच्चे ने भी कीता है। ये पंज शनाना कर देन, हाथ पैर मुंह धोना कन धोने, वुजू, बच्चे ने भी वुजू कीता, नमाज पढ़ी, रस बड़ा आया। अमृत वेले दी अपनी महिमा है, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। इहदे ते बहुत कुछ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी, भाई गुरदास जी की रचना, और नंद लाल ते इत्थे तक कहिंदे ने, बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदम आईंदा ख्वाब सुबह। गोया उन्हां दा तखल्लुस है नंद लाल दा। भाई साहब कहिंदे ने, जिस मनुख ने किसे एक दिन वे अमृत वेले जाग के नाम जपया है, उन्हों ए समझ आउंदी है, अज तक जो मैं अमृत वेले सुत्ता रहा, हराम सुत्ता रहा, मेरा सोना सारा हराम सी, हलाल नहीं सी, गोया हराम कर दम। इतनी वड्डी ताड़ना भाई साहब, भाई नंद लाल। बच्चे नू रस आया है, चंगी फिसा दे चंगे माहौल दे पल रहा सी। पिता भी जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे पंज प्यारे सन, मुहम्मद साहब दे चार यार सन, चार यारां दे चों हजरत अली एक यार है। सारे शिया मुसलमान मुहम्मद साहब तो बाद दूजा दर्जा हजरत अली नू देंदे, सारे सुन्नी मुसलमान हजरत मुहम्मद साहब तो बाद दूजा दर्जा हजरत उमर नू देंदे। ईरान सारे दा सारा शिया मुसलमान है,
अफगानिस्तान भी, लेकिन अरब सुन्नी ने। इन्हां दे चे दो बहुत वड्डे फिरके ने, शिया सुन्नी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, नमाज पढ़ के ज्यों घर दी तरफ चले, पुराना जमाना अज तो 1400 साल पुरानी गल, कि अरब देशां दी गर्मी, लोकी कोठियां ते सुते हुए सन, गलियां दे चबूतरे ते सुते हुए सन, अमृत वेले जरा ठंड हो जाती है, रेत ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, नींद गहरी आती है। इन्हां सारियां नूं सुत्ता होया देख के हुसैन कहिंदा है अपने नाने नूं, हजरत इह कितने कमबख्त बदनसीब लोग ने और कितने मूर्ख ने, आबे हयात दी बारिश पई हो रही है, रब दियां नियामतां दी बारिश हो रही है, ये सुते पै। पता है मुहम्मद साहब ने की आख्या, एक दिन फजर दी तू नमाज की पढ़ीए और तेनों सारे मूर्ख दिखाई देन लग पे। इनू पचा, इनू हजम कर, इन्हां ते तरस आना चाहिदा सी, मूर्ख कहण दी लोड़ नहीं, इन्हां ते दया करनी चाहिए सी। छोटा मासूम बच्चा है, गिजा बड़ी हैवी सी, हजम नहीं हुई। जे को खावे जे को पुंछे, कोई खावे हजम भी करे। मैं सिख जगत विच भी देखिया, माड़ी मोटी किधरे गल दी समझ पै जांदी है, उहदे नाल मत्था मार देन, उहदे नाल मत्था मार देन। इस तरह के मत्थे टकराने वाले मैनू हर शहर विच मिलदे ने, तो देख के मैनू कहना पैंदा पच्ची नहीं, हजम नहीं आया, माड़ा मोटा कीता है, हजम नहीं आया, पचिया नहीं। जे को खावे जे को बनछे। हुण मैं अर्ज करा, भोजन की बुरकी मूंह दे राही अंदर जाती है, प्रभु का नाम कन्ना दे राही अंदर जाएगा। धुन उठती है पवन करके, पवन दे टकराव नाल, नाभी तो हिरदे तक, हिरदे तो कंठ तक, कंठ तो रसना तक जबान बयान कर देंगे। जबान एक ऐसा आला है जो अंदर दे भाव नूं अखरां नूं प्रगट करके रख देंदी है। हुण इसे धुन नूं कन्ना दे राही वापस लै जाणा है। वापस लै जाण दे पड़ाव ओही ने, मधमा, पसंती और परा, पड़ाव ते ओही ने, ना भी उथे तक लै जाण। अगर किसी की गहराई मदमा तक होवे, सुनना इतना गहरा होवे, पूरा ध्यान देने फिर भी ध्यान है, पूरी एकाग्रता नहीं फिर भी एकाग्रता है। वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण कर रहे हैं, पर स्रोत की गहराई इतनी है कंठ तक, मदमा तक, तो पहचान की होवेगी। ऐसे मनुख नूं वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पएगा, ऐसे मनुख नूं बाणी जपण दा रस आण लग पएगा, ऐसा रस जो अज तक इसने नहीं चखिया होवेगा। ये भी मैं अर्ज करां, बिस्माद भी होवेगा। ऐसे मनुख नूं गुरबाणी कहिंदी है प्रभु दा नाम एदी रसना ते बस गया, प्रभ जी बसे साध के रस, साध है, साधना कर रहे हैं। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, 10,000 दे करीब सतसंगी बैठे होन किसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च दे च, एक जग्यासू आंदा है। जग्यासू तो मुराद जिन्हों समझ आ गई ये गल की है, एक आंदा है, वो 10,000 नहीं आंदे, नहीं आंदे। 10,000 दे करीब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे बैठे हवन एक जग्यासू आंदा है, जो जागे है थोड़ी समझ आ गई है, पता चल गया। 10,000 जग्यासू हवन एक साधु आंदा है, साधु जिन्हों रस आने लग पे, चल पे, निरा जागया ही नहीं, कुछ पेंडा तय कर ले, इनू रस आने लग पे,
इनू गुरबाणी जपण का रस आण लग पै, इनू नाम जपण का रस आण लग पै। साधु हुण ध्यान नाल सुनना, 10,000 दे करीब साधु बैठे हवन, एक संत आउंदा, एक संत आउंदा। कौन? जो समाधि लीन हो गया, भगवंत दा रूप हो गया, सच दा रूप हो गया, एक आउंदा। इस तरह कोई करोड़ां च एक आउंदा। कोटन में नानक को नारायण जय जी। पंजाब दे ते इट पुछो, 10-10 वी संत निकलदे, हर पिंड दे 10-10 वी। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, 10,000 सतसंगी बैठे हवन, एक जगह आसू आंदा, सारे नहीं आंदे। ते 10,000 जगह आसू होवन, एक साधु आंदा। 10,000 साधु बैठे हवन, उन्हां च एक संत आंदा, बाकी नहीं आंदा, बाकी नहीं आंदे। साध नाम निर्मल तां के करम, उदी रसना ते परमात्मा वस गया। प्रभ जी वसे साध की रसना, उन्हूं स्वाद आन लग पिया। ये स्वाद इसनों वापस ते नहीं मुड़न देगा। हो सकता है अगे जाण दे च उखियाई होवे, क्योंकि चढ़ाइयां ने, अगे चढ़ाई है। जिन्हों कबीर इंज कहते ने, जय मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औगट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी ते मैं कल्ला ही चढ़ रहा, ना मेरे अगे कोई, ना मेरे पिछे कोई। निवाण दे च जिस पासे चतर चलाक बंदे चल पे ने, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता है। लोभी बनन लई, कामी बनन लई, हंकारी बनन लई कोई किताबां पढ़न की लोड़ नहीं, किसे तो प्रेरणा लैण की भी लोड़ नहीं। मनुख आपे ही हो जाता, आपे ही हो जाता। पानी निवाण की तरफ आपे ही जाता, छड़ाना है, प्रेशर देना पड़ेगा, उंज नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कई दफा ऐसा भी होंदा, प्रेशर दा मारिया होया फुआरे दा पानी उपर उठदा है, धरती दी खिच दा मारिया होया फिर थले। आप दी ग्यातली अर्ज करा, जिथे जमीन हर आकारक वस्तु नू अपनी तरफ खिचदी है, चाहे कितनी उपर सुटी है, मनुख दी सुरत नू भी थले खिचदी है, क्योंकि सुरत दे च धन आ गया, रूप आ गया, सब जमीन दा हिस्सा है, जमीन खिचदी है, उपर नहीं उठन देंदे। मनुख की सुरत में भी नहीं उपर उठन देंदे। किसी वक्त इस दियां भी बारीकियां मैं थोड़े सामने रखांगा। निवाण की तरफ पानी आपे जांदा है, चढ़ाइयां की तरफ आपे नहीं जाएगा। पानी नू इतना गर्म करिए कि भाप बन जाए, हल्की हो जाती है, उपर उठ जाती, गगन मंडलां चली जाती है। इस वास्ते कहिंदे जप की है, तप है, तपश है, जप तप। वो जो तपश है उसे नू योगा अगन कहने ने, उसे नू ब्रह्म अगन कहने ने। भगत कबीर ने ब्रह्म अगन आख्या उस तपश नू, जप दे तप नू। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिदा है। बार दी दावा अगन कुछ भी आकारक चीजा ने जला के खाक कर देंदी है। ब्रह्म अगन जन्मा जन्मांतरा दे संस्कार पाप दुख जला देंदी। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट से दाया। ये अगन किवें पैदा होंदी है? जप तप, जप तो तपश पैदा होंदी है, जप तो अगन पैदा होंदी है। ये नाम अगन है, गुरु नानक इसनू नाम अगन कहिंदे ने, पतंजलि इसनू योगा अगन कहिंदे ने, कबीर इसनू ब्रह्म अगन कहिंदे ने। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक ही चोट से दाया। जिसकी गहराई कंठ तक है ऐसे मनुख नूं स्वाद आएगा। गहराई वध गई है, कितने हिरदे तक। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है, वो जो व्यापक है परमात्मा की आवाज, जिहदे च पंज शब्द ने, सुनन लग पैंदा है। पंजाब दे च जो दो चार अपने आप नूं गुरु कहिंदे ने, लखां की तादाद च नाल बंदे जोड़े हुए ने,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ ਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਘਰ ਸਭਾ ਗਏ ਘਰ ਸਭਾ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਗਰਦ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਧੁਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਨਾਹਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇੰਜ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਲਏ ਉਹ ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਹਾਂਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲੈਣ ਆ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਅਕਸਰ ਦੁਬਦਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਾਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਥੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੇਖਬਰ ਮਿਲਾ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਤੀ ਤੇਰੀ ਵੋ ਬੇਖਬਰ ਮਿਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਥੀ ਤੇਰੀ ਵੋ ਬੇਖਬਰ ਮਿਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਰਸ ਆਇਆ ਕੁਝ ਖੇਡ ਬਣੀ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਥੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੇਖਬਰ ਮਿਲਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਨਾਹਤ ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਇਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੂੰ ਖੋਲ ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀਏ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾ ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੜੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਸ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਨਾਦ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਜਪ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧੁਨ ਫਿਰ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਧੁਨ ਪਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਧੁਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਨਾਭ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ